इतना बेहतरीन तरीका है अटेंडेंस शीट बनाने का एक्सेल 365 के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पर रोल नंबर लिखा है मैंने, यहाँ पर अगर मैं वन करता हूँ और यहाँ पर टू करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे ड्रैग करा देता हूँ, तो यहाँ स्टूडेंट के नाम आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेट एंटर करते हैं, आज कौन सी डेट है, आज 28 है, 28 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वन, फिर यहाँ लिखते हैं टू। ठीक है, देखिएगा अटेंडेंस शीट कितने आसानी से बनेगा, ये यहाँ पे ये लिख करके और यहाँ से इसको ड्रैग करवाया, और ड्रैग करवा करके अगस्त में यहाँ पे देख सकते हैं ये कैलेंडर है, तो यहाँ पर 31 का महीना होता है। ठीक है, तो ये 29 हो गया और ये 30 हो गया और ये हो गया 31, यानी 31 अगस्त तक की डेट हम लेके आ गए हैं। लेकिन आज कौन सा है, आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त को कौन सा दिन है, तो यहां पर 28 अगस्त आप देख सकते हैं, तो 28 अगस्त को वेडनेसडे है, तो यहां पे हम टाइप करते हैं WED। ठीक है, अब देखिएगा कमाल, यहां पे WED टाइप किया और यहां से ड्रैग करवा दीजिए 31 तक, और इसी को ठीक उल्टा ड्रैग करवा दीजिए इधर। ठीक है, अब देखिए यहां पर यहां तक आ गए हम, हमें एक तक ही रहना है, तो आप देखेंगे कि सबका जो है डे आ गया है, डे आ गया। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली यहां पर स्टूडेंट का नाम एंटर करना है, जैसे राम हो गया, फिर यहां पे श्याम हो गया, जो भी स्टूडेंट का नाम है वो यहां पे दे दीजिए, फिर यहां सचिन हो गया, यहां पे राज हो गया, यहां पे सुमित हो गया SUMIT, यहां पे युवराज हो गया युवराज। ठीक है, यहां पे एंटर करेंगे तो यहां पे सूरज हो गया, यहां पे लोकेश हो गया, यहां पे रितेश हो गया RITESH, यहां पे सुषमा हो गया सुषमा, एक और नाम दे दिया सुषमा। अब इसके बाद एक लास्ट नेम दे देते हैं, यहां पर मोनू, ये दे दिया। अब देखिए यहां पर अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हमें, अब देखिए ये राम यहां पे तो आएगा नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से जाकर के और ऊपर एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, या इसके नीचे इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो यहां से जाकर के इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये रो तो अब करना क्या है, करना ये है कि यहां पर जब रो इंसर्ट हो जाए तो फिर यहां पर इन दोनों को मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, और उससे भी पहले क्या करते हैं, इसको उठाते हैं हम, इसको ये जो हमने डे के नेम लिए हुए हैं इनको उठाते हैं, यहां से कट करेंगे, यहां से कट किया और कट करके यहां पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो ये पेस्ट हो गया, अब ये काम हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल बटन दबा लीजिए और इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इन दोनों को भी करना है कंट्रोल दबाते हुए ही, सबको कंट्रोल दबा करके हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, बारी बारी से नहीं, एक साथ करना है। एक साथ सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि दोनों, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को एक साथ करना है। ठीक है, और यहां से आपको क्या करना है, मर्ज कर लेना है इसे, तो यहां पर देखिए मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए, सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। यहां पर सब देखिए जैसे ओके करते जा रहे हैं, सब एक साथ मर्ज होते जा रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं इधर की तरफ आएंगे तो सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे, और लास्ट तक आपको इस पर ओके 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 करते चले जाना, एक ही बार में सब मर्ज हो जाएगा। तो देखिए ये अब सब मर्ज हो चुका है, देख सकते हैं ये, और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर ये आया हुआ है, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहां से कट कर देते हैं, ये कट किया हमने, और यहां पर आकर के पेस्ट कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और फिर इसको भी हम कर लेंगे मर्ज, यहां से जाकर के इसको मर्ज कीजिए और इसको भी मर्ज कर लीजिए, तो ये काम हो जाएगा। ठीक है,
और जब ये काम हो जाए तो फिर यहाँ पर अब अटेंडेंस शीट कैसे बनेगी, ठीक है, आपको PAPA लिखना पड़ेगा। तो लिखना ना पड़े इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पर इतने को सेलेक्ट कीजिए, आप ये गूगल शीट में भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, मान लीजिए यहीं तक अटेंडेंस शीट की जरूरत है, तो इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा चेक बॉक्स ऑप्शन, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्सेल 365 में, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करते ही यहाँ पर बहुत सारे चेक बॉक्सेस बन जाएंगे। यहाँ पर एक और स्टूडेंट का नाम मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ अभिषेक, तो ये एक और स्टूडेंट का नाम हमने बढ़ा दिया है। और अब यहाँ पर टिक का मतलब हुआ प्रेजेंट और अनटिक का मतलब हुआ एबसेंट, ठीक है, हम ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आकर के यहाँ पर आ गए, और अब वापस से वही की इंसर्ट पे जाके चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब जब आ जाएगा तो यहाँ पर आप टिक या अनटिक कर सकते हैं, तो ऐसे टिक किया फिर ऐसे ही करके टिक कर लेते हैं हम, जहां जहां टिक रहेगा उसका मतलब है प्रेजेंट और जहां जहां अनटिक रहेगा उसका मतलब है एबसेंट। तो यहाँ पर टिक और अनटिक ही आपको करना है, इससे आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर टिक किया, यहाँ पर टिक किया, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जहां पर भी टिक करेंगे उसका मतलब हो जाएगा कि वो व्यक्ति प्रेजेंट है, आपको पी टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अब हमें टोटल करना है, यानी कि यहाँ पर टोटल डेज आएगा, ठीक है, तो टोटल डेज कितने हुए वो काउंट करना होगा। तो काउंट कैसे करेंगे, पहले तो इसे मर्ज कर लेते हैं, यहां से मर्ज करना पड़ेगा, तो ये मर्ज कर लिया। अब यहां पे लिख देते हैं टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज कितने हुए वो हमें काउंट करना है, और इसको भी इसमें जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे इस तरीके से। तो ये आ गया टोटल डेज, और टोटल डेज को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और यहां पर काउंट ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, काउंट ए, ठीक है। तो ये काउंट ए लगा लिया, और टोटल डेज को काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको जो है यहां पर जो भी टिक हैं इन सबको यहां से उठाना है, ठीक है, इस तरीके से आप जाइएगा तो ये टोटल डेज काउंट हो जाएगा। अब यहां पर एंटर कर दीजिएगा तो ये 31 आ गया है, देख सकते हैं, और यहां पर 31 ही सबका आएगा। तो यहां पर अब क्या करना है, इसको इस तरीके से ड्रैग करवा लीजिएगा, तो सबका 31 आ गया। अब क्या करना है, यहां पर इन तीनों को एक साथ मर्ज करवाना है, ऑल्ट एच एम एम शॉर्टकट की प्रेस कर लीजिए इस बार, ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना है। तो अब हमें प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट डेज को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्या, पहले तो इसे हम रिसाइज करते हैं, यहां पर डबल क्लिक करके प्रेजेंट डेज को कैलकुलेट करने के लिए यहां पे काउंट इफ लगाइएगा, क्या लगाना है, काउंट इफ, ठीक है। और यहां से आपको क्या करना है, ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है, यानी यहां से चलते हुए यहां तक आ जाना है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। और अब यहां पर कॉमा लगाना है, और डबल डॉटेड कॉमा में आपको क्या करना है, पी लिखना है, क्या लिखना है, पी, यानी प्रेजेंट डेज। ये प्रेजेंट डेज जो है, प्रेजेंट डेज के लिए यही तो हम करते थे, यहां पर एक एब्सेंट डेज भी बना रखा है हमने। तो यहां पर जब काउंट इफ आप लगा रहे हैं तो देखिए यहां पर जीरो क्यों आ रहा है, तो यहां पर अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर जाता हूं, यहां से पकड़ता हूं, देखिएगा, अगर यहां पर आए और यहां से इसको पूरा सेलेक्ट कर गए, इस तरीके से सेलेक्ट किया हमने, देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, पूरा 31 तक आए हम, फिर कॉमा लगा दिया, फिर डबल कॉमा में अगर पी लिख देंगे जैसे कि आप नॉर्मली एक्सेल पे करते थे तो आपका एरर आएगा, क्योंकि ये चेक बॉक्सेस हैं और इसी वजह से आपका एरर जनरेट होगा, तो जीरो आएगा, एरर नहीं जनरेट होगा बल्कि जीरो आएगा। तो देखिए जीरो जो आ रहा था वही आ रहा है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, आपको चेंजेस ये करना है कि पी की जगह आपको ट्रू लिखना है, ठीक है, और एबसेंट के लिए क्या करना है, एबसेंट के लिए फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पी की जगह आप क्या करिए, ट्रू लिख दीजिए, टी आर यू ई, ट्रू हो गया। अब आप एंटर करिए, देखिए यहां पर ये आ गया, 31 दिन ये प्रेजेंट रहे, डबल क्लिक कीजिए सबका आ जाएगा। फिर अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे आप एब्सेंट की तरफ, तो आपको क्या करना है, वही काम की इज इक्वल टू काउंट इफ लगाइए, और काउंट इफ लगा करके आपको क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर जाना, एक का करिएगा सबका आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल में इनेबल फिल हैंडल सर्विस होता है तो सबका आ जाएगा। तो यहां पर 31 तक का पूरा सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके क्या करना है, यहां पर कॉमा लगाना है, और डबल डॉटेड कॉमा में क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है, क्या लिखना है, फॉल्स, ये ध्यान दीजिएगा, एफ ए एल एस ई, फॉल्स हो गया, डबल डॉटेड कॉमा क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो यहां पे ये जीरो आ रहा है, क्योंकि 31 के 31 दिन प्रेजेंट है, और इधर देखिए ये जो है यहां पर जिसका जितना एबसेंट रहा है वो उसी हिसाब से यहां पर आ जा रहा है। बाकी आप यहां पर कलर वगैरह लगा सकते हैं चाहे तो यहां पर अगर कोई कलर देना चाहे, बैकग्राउंड पे कुछ कलर लगाना चाहे तो लगा लीजिए आराम से, यहां से जाइए बैकग्राउंड पे कलर लगाना है तो लगा सकते हैं, यहाँ पे जाकर के ये बैकग्राउंड कलर है तो यहाँ से ये कलर दे दीजिए, बाकी यहाँ पर सेम कलर रहने देते हैं जो कलर ऊपर लगाया है। तो देखिए ये पूरे पे सेम कलर आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ तक ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इतने को सेलेक्ट करके
और इधर आ जाते हैं यहां तक, और अब ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड पे ये दे दिया हमने, और इन सबको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहां से आकर के और ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक कर दिया, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है ये व्हाइट कर देंगे, तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, देख रहे हैं। आप चाहे तो कलर और भी चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक के बजाय कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक के बजाय हमने ये कलर रख दिया या कोई और कलर रख दिया, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर यहाँ से व्हाइट कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, तो ये अब ठीक दिखेगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे डेज को आप सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जाइए, बैक जाइए, और बैक जाइए, और बैक जाइए, और यहाँ पर आकर के डेज को केवल, यानी कि इसको केवल सेलेक्ट करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरे को नहीं करना है, केवल डेज को ही कर लेना है, ठीक है। तो ये डेज को पूरा सेलेक्ट किया इस तरीके से, और सेलेक्ट करके क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ जो भी कलर आपको ठीक लगता हो, प्रॉपर लगता हो, वो कलर आप चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यही चूज कर लिया, तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस शीट को डेकोरेट भी कर लेंगे, तो ये आपका बन गया अटेंडेंस शीट। और आप चाहे तो सबको सेंटर अलाइन और मिडिल अलाइन भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये मिडिल अलाइन हो गया, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये सेंटर अलाइन हो गया, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। पूरी वीडियो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई डिमांड हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।